अस्सलाम वालेकुम, आपका मेजबान मोहम्मद इस्माइल। और आज हमारे साथ मेहमान है रेहान आर के, जो इनकी लोग तारीफ तो करते नहीं है, लेकिन यह है कि तारीफ के काबिल भी नहीं है। और हम आज इनसे सवालात करेंगे और काफी इंजॉय होगा, मजा आएगा इंशाल्लाह। और हमारे साथ ऑडियंस भी है, और अपने रेहान भाई ने बड़ी जबरदस्त वीडियो दी थी हमारी एबी फन को, तो उसमें रेहान भाई के हाथ नहीं थे, बड़ी वीडियो चली है, वो आज भी ट्रेंडिंग में है और आज भी चल रही है। और हाथ इनके कटे हुए थे, शायद आ गए रेहान भाई, आपके हाथ आ गए? नहीं आए, आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, हाथ दोबारा आ गए। तो हम पूछेंगे तो इनका जो रिएक्शन क्या है, और आगे ये और मजीद अच्छी और कॉमेडी कौन सी वीडियो दे सकते हैं, तो हम रेहान भाई से पूछेंगे। तो रेहान भाई बताएं। अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले सब भाइयों को, और इसके अलावा ऑडियंस का बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो मैंने फर्स्ट वीडियो दी आप लोगों को। किस बात पे? अच्छा ठीक है, ऑडियंस का अल्हम्दुलिल्लाह, तो उस पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। ऑडियंस की तरफ हम आते हैं, पहला सवाल हम अली भाई से करते हैं। अली भाई, आपको कैसी लगी वीडियो? रेहान भाई ने इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस की थी वीडियो में। यही कहेंगे कि इनके हाथ तो शुक्र अल्लाह का आ गए हैं, वरना मुझे लग नहीं था कि इस तरह की क्या भाई। आप जरा रेहान भाई के लिए कमेंट्स बताएं कि जो वीडियो इन्होंने बनाई थी कैसी बनी। माशाल्लाह वीडियो तो बहुत जबरदस्त बनी है, मगर यार बंदे में घमंड आ गया मेरे को। किस बात का घमंड आ गया? मतलब वो क्या वो हाथ से चलने लग गए हैं? किस बात तो हाथ भी नहीं आया बंदा भाई। चाय रोटी कैसे खाएंगे? उनको बोलते भाई एक देख एक्स्ट्रा बनवा लो, खाली मिली की भीड़ लगाई हुई उन्होंने, देखो काले जो पर्स गया था, पर्स में चंद काट के अलावा कुछ भी नहीं था। वो भाई चोरी आपने किया था, कितने पैसे थे? 2400 रुपए थे। ओ भाई ये वाकई चोर है भाई, ये तो देखो ये लाइसेंस भी नहीं है, देख लो एनआईसी का ओरिजिनल। तुम कैसे बोल रहे थे कंगला निकल आए 2400 रुपए इसके पास तो क्या है? आपने ये बोला था नहीं, ये बात तो कैसे बोला तुमने कंगला है यार, कोई इशू नहीं है, कैमरे में आ रहा है लाइव, तो कुछ जो ना अपने आप को ये तमाशा नहीं कर रहे हैं, देखिए नहीं लगते ऑडियंस जो है ना, आप इंट्रोड्यूस ना रहे हैं कौन गए भाई, अब से यार चैनल पे आ गए यार, क्या बंदा बिठा लिया यार, मेरी बात आप खामो हो जाओ, मेरा पर्स चोरी किया तो मैं तो बेचारा कुछ भी नहीं, मुक्त होने का पर्स गया है, आपका एटीट्यूड खत्म नहीं हो रहा है, ये लाइव चल रहा है, ये मेरा पहला शो है, क्या मेरा शो बंद करवाना आपको? अच्छा आप उसके बारे में बताएं कि वो जो किसी के बारे में मेहमान नवाजी के लिए बुलाया के लिए बुलवाया मुझे यहाँ पर आपने, ये बात आप गलत कर रहे हैं, जो पर्स किसका गया वो कुछ बोल नहीं रहा है। अच्छा उसके 2400 रुपए निकाल लिए आपने, वाला प्रैंक था उसमें भाई की चाय डबल रोटी का जो रिएक्शन था उनका गुस्सा धनाधन, आप बताओ धनाधन का जो बताधन धनाधन ये हमारे चाचा है, ये हेल्पी वाली जो वीडियो बनाई है, और इनमें जो इतने कल्पे हैं ये चाचा हमारे, इतना मायूस किया है अब्दुल समद भाई ने, अब इनको बताएं भाई तो लगाई है, फिर मैंने हाँ दो पड़े चप्पल पड़े ये दो जो बात है आपको खैर तो है गंदा आदमी है, ये गंदे की बात की क्या गंदा क्या मतलब, ये मुंह पे गोबर लगाओ उसके, किसी बात के गंदा भाई चेक कर लो रेहान भाई, डायरेक्ट नहीं हो आप प्लीज, थोड़े नाराज हो गए थे और हमें जो इनको मनाया है और अभी थोड़े शांत हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ेंगे, तो सवाल ये है कि समद भाई से पूछेंगे, और हमारी कुछ ये भाई की नई वीडियो भी आने वाली है, तो उनके हवाले से ये रेहान भाई बताएंगे। तो रेहान भाई क्या रिएक्शन है, नई वीडियो आपकी किस टाइप की आ रही है, थोड़ा सा ऑडियंस को गाइड करना चाहेंगे? मेरी नई वीडियो अभी फिर अब्दुल समद के साथ है, इंशाल्लाह वो अच्छी जाएगी। तो आगे बढ़ाते हुए और हम अब समद भाई की तरफ आएंगे और उनसे सवाल करेंगे कुछ। तो समद भाई बताएं जरा आपको कैसी लग रही वीडियो जो हमारी एबी फन की? तो बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, और हर बंदा अपना किरदार अच्छा बखूबी निभा रहा है, लेकिन जो नेक्स्ट जो हमारी जो इस्माइल भाई के साथ जो वीडियो आने वाली है
उन्होंने जो कैरेक्टर जो है वो किसका कौन सा कैरेक्टर है ये जरा आप वो थोड़ा सा बताते होंगे इसको, सिर्फ कैरेक्टर आपको ये बता रहे हैं आप कौन सा कैरेक्टर ज्यादा यूज करने वाले हैं। कैरेक्टर तो देख लिया होगा अभी ऑडियंस ने, ये भी यार आप फेमस हो गए यार, तुमने अभी ये कैरेक्टर तो पंजाबी वाला कैरेक्टर आप पता कर रहे हैं शायद यार, ये देखा आपने यार तो मारा टीम को ड्रामा आ रहा है यार, अगले तो मैं पे जा रहा हूं आप वे जाने तो वे जान चुकी है जाने तो कोई मसला नहीं है। रियान भाई जो है बहुत ज्यादा यार ये रियान भाई बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और यहाँ से चले गए बिल्कुल मस्त मारे ये गर्म हो गई है होने शुरू हो गई यहाँ पे, कोई मसला नहीं भाई ये अब्दुल समद भाई को भी थोड़ा सा गुस्सा आ गया आप उनसे उलझ रहे हो और वो उठ के चले गए यहाँ से, तो आप आ जाओ भाई आप कहाँ जा रहे हो, अब आप कहाँ जा रहे हो, अब आप कहाँ जा रहे हो, कैसा फायदा नहीं है, नौकरी मिल रही है, फायदा कैसा फायदा चाहिए भाई आपको। सिकंदर भाई ये काम करेंगे, सिकंदर भाई को हम लेके सवाल करेंगे तो उनके बिना शो बनाएंगे ये और ये शो हमारा कामयाब होगा। चलो आप ये टांग नीचे कर ले, वो एटीट्यूड क्यों दिखा रहे हैं आप, थोड़ा नीचे सलवार फटी हुई है आपकी, फटी हुई है तो तुझे वही देखना है तो फटी हुई सलवार है भाई जान, ये बेस्ती कराने के लिए तुम ये बुलाते हो, ये बेस्ती दुनिया भर में बेस्ती हो रही है आपकी, सलवार फटी हुई है ऐसे देख रहा हूं, 19 बंदा देख रहा है वही देखना जरूरी क्या होगा, एकदम बेस्ती कराने के लिए आते हो यार, तुम कहां जा रहे हो, ओ एटीट्यूड यार थोड़ा यार तुम यार भैया ये प्रोग्राम है मजाक मस्ती चल रही है क्या है, कि जो आ रहा हो जाएगा यार, ये सिर्फ दो बंदे जो है इस शो में बचे हैं और ये भागे जा रहे हैं और ये समझ में नहीं आ रहा इनको किस बात का जो है एटीट्यूड और ज्यादा आ गया। अब अली भाई से, अली भाई आ जाए वरना ये मेरा शो शुरू होते ही खत्म हो जाएगा, चेंज हो रहे सारे मेहमान ही चेंज हो रहे हैं यहाँ पे, तो यार इस तरीके से मुझे लग रहा है उमर भाई भी गए, ये सिर्फ अली भाई बचे हैं, अली भाई ये शो में सब उठ के चले गए, क्या कहना चाहेंगे, अभी इमरान भाई को बुलाएंगे, वालेकुम अस्सलाम इमरान भाई बैठे शो में जो है बस वो कुछ गुस्सा कुछ सबके पेट भर गए, ये बात बड़ी जबरदस्त बहुत आ गए हैं खा लू, लेकिन मैं मेरा पेट ऐसा लगता है कि जैसे मैंने खाया नहीं, बच्चे खा जाते हो तुम इसको, तुम्हें क्या बचा तुम्हारा, इस तरह से मतलब ये मामला चल रहा है, बच्चे खा रहे पड़ोसियों के बच्चे खा रहे हो क्या, मतलब कहना क्या चाहते हो आप, क्लियर करें ना बात को, सवाल मुझे क्या करना था, अभी मसला देखो आपको देख सवाल है चलो भाई बिल्कुल जाने के लिए तैयार है और जा चुके हैं ये आप देख सकते हैं, और जो है अब मैं भी जो है जाने की तैयारी कर रहा हूँ, ये दो चाय भरी हुई थी वो भरी के भरी रह गई, पी नहीं सालों ने, तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए शो में और नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।